बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और अच्छी ट्रेडिंग जो है वो कर रहे होंगे। तो आपको याद होगा हमने ये 15 मिनट का जोन मार्क किया था वीकली एनालिसिस में, और मैंने आपसे कहा था कि यहाँ से मार्केट जो है वो बहुत चांसेस है कि मार्केट यहाँ तक ज़रूर, यहाँ से हमें ज़रूर कुछ ना कुछ दे के जरूर जाएगी। अच्छा, मार्केट ने एक अच्छा यहाँ से मूव बनाया है, लेकिन यहाँ पे मार्केट ने एक एक चीज छोड़ी है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अच्छा, ये देखें, 15 मिनट के अंदर यहाँ पे मार्केट ने एक परफेक्ट ब्रेकआउट किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो क्या कहते हैं हाई है वो ये है, वो ये वाला नहीं है। ठीक है, हमें ये देखिए प्रॉपर जो मूवमेंट है मार्केट की वो ये है, ये वाली। ठीक है, हम यूं भी कह सकते हैं सिंपल इसको, ये वाली ये मूवमेंट है इसकी प्रॉपर। ठीक है, और बाकी ये जो आपको दिख रहा है, ये आपको याद होगा एक स्ट्रक्चर है जहां मार्केट, इसको पता नहीं क्या कहते हैं, सिमेट्रिक ट्राइंगल आई थिंक इसको कहते हैं, ये वो पैटर्न मार्केट ने बनाया है यहाँ पर। ठीक है, अब ये यहाँ पे जो हाई है वो ये वाला है, ये मैं आपको इंडिकेट करना चाह रहा था, ये कि यहाँ पे जो हाई है वो ये है, और इसका आप जो है कंफर्म इस चीज से कर सकते हैं कि मार्केट ने इसको ब्रेक नहीं किया, हालांकि इसको ब्रेक कर दिया ताकि मार्केट में एक ये अंदेशा जाए कि मार्केट प्रीवियस जो लो हाई है वो इसको ब्रेक कर चुकी है। हालांकि ऐसा नहीं है, हमारे पास हाई स्टिल ये वाला इंटैक्ट है। तो यहाँ पर ये मार्केट ने, इसको हम फिलहाल रिमूव करते हैं, ये मार्केट ने बना दिया है हमारे लिए इंड्यूसमेंट, इसको हम कहते हैं पिवट जोन। ठीक है, पिवट के ऊपर मेरी ऑलरेडी वीडियो मौजूद है, आप जाके इसको देख सकते हैं कि पिवट जोन, पिवट एरियाज कौन से होते हैं, इनके नीचे बहुत ज्यादा लिक्विडिटी होती है। मैं आपको सिर्फ इस तरीके से बता देता हूँ, हमारा जो मेन एरिया है वो ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है, 1965.64। अगर हम सेंटिमेंट की बात करें, स्टिल हमारे पास बाइंग जो है वो मार्केट में जो शो हो रही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जो है मार्केट ने क्या किया है, इसको ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ इसको ब्रेक किया। अब हो सकता है कि मार्केट यहाँ से चली जाए, इस डिमांड से जहाँ मार्केट है इस वक्त मौजूद है, यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ चली जाए, लेकिन अगर ये वाला सेल कैंडल इसके नीचे क्लोज हो जाती है तो हमारे ये चांसेस हैं वो कम पड़ जाएंगे, मार्केट मजीद जो है वो ये यहाँ तक आने के लिए रेडी हो जाएगी मार्केट, और फिर यहाँ से मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ अपना जो सफर है उसको जारी रखेगी। तो आप इसको जो है मार्क करके रख लें। अगर मैं सप्लाई की बात करूँ तो सप्लाई में हमारे पास एक आइडल आप कह सकते हैं कि एक मौजूद है, ये वो है ये वाला, मैं इतना श्योर नहीं हूँ उसके हवाले से, क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड है वो बाय के अंदर है, सेंटिमेंट भी बाय के अंदर है, लेकिन हमारे पास एरिया जरूर मौजूद है। अगर ट्रेंड सेल के अंदर होता हमारा तो ये वाला एरिया हमारा बड़ा अच्छा था। ठीक है, लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए हम इसको डे ट्रेडिंग में यूज कर सकते हैं, ऑन कंफर्मेशन इसमें ट्रेड जो है वो ली जा सकती है। ठीक है, ऑन कंफर्मेशन यहाँ पर ट्रेड ली जा सकती है, यहाँ QML मौजूद है हमारे पास, हमारे पास यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर भी मौजूद है, और इस एरिया का मैं नाम बता दूं आपको, 1989.28। ठीक है, तो ये इसका सिनेरियो हो सकता है, बाय का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, कोई ज्यादा मामला इसके अंदर भी नहीं हुआ है, GBP USD में भी वही का वही सेम मौजूद है। ठीक है, इसका भी कोई ज्यादा खास नहीं हुआ है, टारगेट है मार्केट वहां पर आई है, इसका इंशाल्लाह कल करेंगे। मार्केट में आज मंडे है, मंडे को वॉल्यूम जो है वो बहुत कम होता है, लेकिन गोल्ड के अंदर कुछ दिखाता है, इसलिए मैंने आपको समझा कि मैं एक वीडियो बना देता हूँ। ठीक है, तो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।